प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे और आज इंटरमीडिएट के लिए मतलब 11 और 12 के लिए बिल्कुल शुरू से बेसिक से कोर्स हम शुरू करेंगे। पूरा आपको कोर्स मिलेगा, प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी अलग से, ताकि प्लेलिस्ट पे आपको पूरा कोर्स मिल जाए। आज पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं रूप परिवर्तन, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे, शुरुआत यहीं से होती है 11 और 12 के लिए, ठीक है। तो यूपी बोर्ड की ये ग्रामर है, तो यहीं से हम पूरा कोर्स आपको शुरू करवाने जा रहे हैं। अब बिल्कुल हमारे वीडियो आप मिस नहीं करना। देखिएगा, पहला चैप्टर होता है रिमूव टू। क्या होता है? रिमूव टू, ठीक है। रिमूव टू का मतलब होता है, रिमूव मीन्स हटा दो और टू का मतलब होता है टू को हटा दो, ठीक है। इसको हम डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, देखिएगा, रूप परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रूप बदल जाए लेकिन गुण ना बदले। मतलब कि जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, रूप बदल जाता है, गुण नहीं बदलते हैं। जो गुण है, अगर जैसे कोई तुतलाता है तो वो तुतलाएगा, क्योंकि रूप बदला है, वहां गुण नहीं बदले हैं। जैसे कोई गाली देने की आदत है, गुण है, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। जो भाषा है वही रहेगी, मतलब केवल रूप बदला है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये रूप परिवर्तन है, यहाँ पर केवल और केवल रूप बदलना है, गुण नहीं बदलना है। समझ में आया होगा आपको। अच्छा, टू को समझ लेते। टू का मतलब क्या होता है, टू हटाना क्यों है, क्या आवश्यकता पड़ गई टू हटाने की। तो देखिएगा, होता क्या है कि टू जो होता है, तो टू को हटाने के लिए, टू का मतलब होता है भी और टू का मतलब होता है अधिक। अब अधिक कब होता है और भी कब होता है, इसको भी समझ लो। अगर टू वाक्य के पीछे लग जाए तो इसका अर्थ होता है भी, और अगर टू वाक्य के बीच में आ जाए तो इसका मतलब होता है अधिक। समझ रहे हो ना, टू अगर पीछे लग जाए तो भी, जैसे आई वेंट टू, आई वेंट टू, मैं भी गया, आई वेंट टू, तो पीछे लगा तो क्या हो गया, ये भी। जैसे आपने पढ़ा होगा मी टू, मुझे भी, यू टू, तुम भी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा। और अगर बीच में लग जाए टू, इसका मतलब होता है अधिक। क्या होता है, अधिक। समझ में आया। अब टू को हटाने की आवश्यकता देख लीजिएगा, होती है तो क्या करेंगे, अधिक के लिए हम क्या लगा देंगे, तो इतना लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इतना। तो समझे, पहला रूल क्या कहता है, पहला जो रूल है हमारा, अब देखिएगा, पहला रूल क्या है कि टी डबल ओ टू की जगह हम सो लगा दें। क्या लगा दें, सो लगा दें। और जो दूसरा वाला टू है, इसकी जगह हम क्या करें, डेट लगा दें। क्या लगा दें, डेट लगा दें। फिर सब्जेक्ट लगा दें, जो सब्जेक्ट हो वाक्य में वो लगा दें। इसके बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट, अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट, जो भी हो कुड नॉट। इसके बाद जो बचे, ठीक है, जो भी बचे तो लिख दो, वर्ब वगैरह बचेगा शेष लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो टू की जगह हमें सो लगाना है, और इस वाले टू की जगह दैट, फिर सब्जेक्ट, अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज कर देंगे। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखेंगे, जैसे दिया गया एक सेंटेंस देखो, जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन, ठीक है, इस तरीका से आया, ही इज टू ओल्ड टू रन, ठीक है। अब ही इज टू ओल्ड टू रन, अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर देखो भैया, ये टू हटाना है और ये वाला टू भी हटाना, दोनों टू हटाना है, ए वाला टू। अब इसका अर्थ क्या होगा, ही इज टू ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, वह इतना बूढ़ा है या अधिक बूढ़ा है टू रन, दौड़ने के लिए, वह दौड़ने के लिए अधिक बूढ़ा है, वह दौड़ने के लिए अधिक बूढ़ा है। अब देखो इसको हम करेंगे क्या भैया, देखो इसको क्या करना, क्या ही की जगह ही लिख दो, इच की जगह इच लिख दो, अब टू, टू की जगह क्या लिख देंगे, सो, फिर क्या लिख देंगे, ओल्ड, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड। अब इस टू की जगह क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम क्या लिख देंगे, ही। यहां तक समझ में आया,
कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब प्रेजेंट में इज लगा है तो हम लिख देंगे कैन नॉट, क्या लिख देंगे कैन नॉट, और फिर शेष में क्या बचा रन, तो हम लिख देंगे रन, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, तो इसका अर्थ हो गया वह इतना बूढ़ा है दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है, वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। समझ में आया होगा आपको, नहीं आया है एक एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, जैसे दे वर टू वीक टू प्ले, दे वर टू वीक टू प्ले, मतलब दे यानी कि वे, वर मींस थे, टू वीक अधिक कमजोर, टू प्ले खेलने के लिए, वे खेलने के लिए अधिक कमजोर थे। अब खेलने के लिए तो भैया शरीर स्वस्थ चाहिए, बॉडी बिल्डर होना, वेल बिल्टेड होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए बिल्कुल, अब कमजोर लोग थोड़ी खेलेंगे। तो दे वर टू वीक टू प्ले, तो यहां पर हमें टू हटाना है और इस टू को हटाना है, तो इस टू की जगह क्या लिख देंगे सो। तो पहले देखो हटाने की कोशिश करना है कैसे, आप भी मेरे साथ बोलते रहिएगा, तो दे वर ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब सिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, खुश रहिए, बढ़िया अच्छे से पढ़िए। देवर टू की जगह सो, फिर वीक, देवर सो वीक, यहां तक दिक्कत किसी को, टू की जगह क्या लिख दिया सो, अब इस टू की जगह लिखेंगे हम दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है दे, हम लिख देंगे दे, क्या लिख देंगे दे, फिर अब पास्ट में है, वर लगा है तो क्या लिख दूंगा कुड नॉट, क्या लिख दूंगा कुड नॉट, ठीक है कुड नॉट, शेष में क्या बचा प्ले, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दे वर सो वीक दैट दे कुड नॉट प्ले, पहला रूल हो गया, समझ में आया होगा। अब दूसरे रूल की अगर हम बात करें, दूसरा रूल देखें जो पहला रूल था, अब दूसरे रूल में हम देखें तो दूसरा रूल क्या कहता है समझिएगा, जैसे जब वाक्य में समझो, जब वाक्य में सब्जेक्ट बेजानदार हो, उसमें जान ना हो, बेजानदार हो, और फॉर मी फॉर यू, ठीक है फॉर देम फॉर हर फॉर हिम वगैरह, जब मतलब पूरे ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका, फॉर मी फॉर यू फॉर देम फॉर हर फॉर हिम फॉर अस, ठीक है फॉर अस, ये सब आ जाए तो इन्हें हटा देंगे, क्या करेंगे इन्हें हटा देंगे, अगर जी आ जाए तो इन्हें हटा देना है। जब वाक्य में सब्जेक्ट बेजानदार हो, मतलब जो करता है, जैसे ही और दे वगैरह है, यहाँ पर बेजानदार करता आ जाए, जैसे किताब आ जाए, पेन आ जाए, चाय आ जाए, कुर्सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बेजानदार हो, फिर जे भी आएंगे फॉर मी फॉर यू फॉर देम, तो इनको हटा देंगे और इन्हें इनकी जगह इनका कर्ता बना देंगे, इनका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट बनाकर डेट के बाद लिख देंगे, कहां लिख देंगे डेट के बाद लिख देंगे, इन सबको हटा देंगे और डेट के बाद लिख देंगे, जो डेट आता है ना, डेट के बाद कर्ता की आवश्यकता पड़ती है, देखो यहां पर सब्जेक्ट डेट के बाद सब्जेक्ट, तो अगर बेजानदार है तो उनको हटा देंगे, उनकी जगह पर इन्हीं को बना देंगे। जैसे देखो कैसे, जैसे टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक, समझ ना बेटा, टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। अब यहां पर देखो ए वाला टू आया और ए वाला भी टू आया, लेकिन यहां फॉर मी भी आया, क्यों आया, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है टी, चाय क्या है बेजानदार है ना बेजानदार, तो क्या करेंगे भैया इस टू की जगह, पहले तो देखो बना लो टी इज टू की जगह सो, फिर हॉट, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, टी एच सो हॉट हो गया। अब जो फॉर्मी आया है तो इसको तो हमें हटाना है, लिखा भी है कि इन्हें हटा देंगे, तो फॉर्मी को हटा देंगे,
इनका सब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो डेट के बाद लिखेंगे तो हम इस टू की जगह लिखेंगे दैट, और इसको हटा दिया था तो मी का कर्ता हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, समझ गए हो ना आई कहां से आई, तो टी इज सो हॉट दैट आई, और फिर इजाया हट लगा देंगे कैन नॉट, आई कैन नॉट टेक, आई कैन नॉट टेक, इस तरीका से कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा हम आगे भी साफ करेंगे, आगे साफ करके देख रहे हैं, साफ कर दें थोड़ा सा, एक आध एग्जाम्पल और हो जाए तो और क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है, रिमूव टू से, बिल्कुल रिमूव टू से लेके अनसीन, ऐसे आर्टिकल, एप्लीकेशन, सब यहीं पर मिलेगा। बस एक शर्त है आपसे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका ग्रोथ बढ़ सके, संख्या बल ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। देखिएगा जैसे, देखें जैसे सी इज टू, सॉरी सी नहीं लिखना है, बुक लिखना है, क्योंकि कर्ता बेजानदार करना है, बुक इज टू हार्ड फॉर हिम टू रीड, इस तरीका से आया, समझना, बुक इज टू हार्ड फॉर हिम टू रीड, तो टू आया और ये टू आया, और फॉर हिम भी आया, फॉर हिम क्यों आया, क्योंकि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है बेजानदार है, उसमें जान ही नहीं है, तो ये बनेगा कैसे इसको भी देख लो। तो बुक यानी कि बुक, हेल्पिंग वर्ब इज टू की जगह क्या हो जाएगा सो, फिर क्या हो जाएगा हार्ड, अब देखो बुक इज सो हार्ड हो गया, अब इस टू की जगह क्या लिखेंगे दैट, अब हमने इसको हटाना था ना, तो फॉर हिम को, हिम का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वेरी गुड, ही हो गया, अब इजाया है तो लगा देंगे कैन नॉट, फिर रीड, ठीक है, ही कैन नॉट रीड, कोई दिक्कत किसी को, बुक इज सो हार्ड दैट ही कैन नॉट रीड, कोई दिक्कत किसी को। अगला नियम क्या है, अगला नियम भी हम देख लेंगे, वो क्या है, नंबर तीन में देखोगे नॉट, तीसरा नियम लिखेंगे सीधे, देखेंगे कि जब जब वाक्य में, जब वाक्य में केवल टू हो, जब वाक्य में केवल एक टू हो, मतलब केवल टू हो, जब वाक्य में केवल टू हो तो इसकी जगह है, इसकी जगह है ओवर, क्या लिख देंगे, इसकी जगह है ओवर, दिखाई दे रहा है यहां, यहां लिख दूं, इसकी जगह है ओवर लिख देंगे, क्या लिख देंगे ओवर, बस खेल खत्म। अगर एक टू है उसकी जगह ओवर लिख दो, इसके बाद एक्सरसाइज भी करना है, पढ़ना भर नहीं है, एक्सरसाइज भी होगी, तो ओवर लिख देंगे, क्या लिख देंगे ओवर। तो जैसे ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट, इस सेंटेंस को आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो टू आया, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख देंगे ही इज, और टू की जगह ओवर, फिर स्मार्ट, ही इज ओवर स्मार्ट, टू की जगह क्या लिख दिया ओवर। अब कुछ लोग यहां पर एक्सटर्मली भी लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं एक्सटर्मली, इसका मतलब भी वही होता है जो ओवर का होता है, और कुछ लोग वाक्य के अंत में लगा देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्या लगा देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। अब बाकी जो नियम है तो जो आपका नियम थे आपको करा दिए हैं, अब इसका एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, कम से कम 10 सेंटेंस, ठीक है, कराएंगे ताकि आपको और भी आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिएगा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जो अधिकांशतः टीचर क्लास में पूछ देते हैं और कहते हैं बच्चों से कि तुम्हें कुछ नहीं आता है पढ़ा करो, ठीक है। तो सी इज टू बिग टू वर्क, ठीक है, तो यहां पर हमें टू को बदलना है और टू को बदलना है, तो हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी, एज इज टू की जगह क्या लिख देंगे सो, फिर क्या लिखेंगे बीक, ठीक है, सी इज सो बीक, और इसकी जगह क्या लिख देंगे दैट, क्या लिख देंगे दैट। अब कर्ता क्या है सी, तो हम लिख देंगे सी, फिर लिख देंगे कैन नॉट, और फिर क्या बचा वर्क,
तो हमने लिख दिया बर्क। कोई दिक्कत किसी को? टू की जगह हमने सो लिखा और इस टू की जगह लिखा हमने दैट सी कैन नॉट। ठीक है, अब दूसरा देखें, ही इज टू ओल्ड टू रन, वह दौड़ने के लिए भी अधिक बूढ़ा है। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे? पहले हम लिखेंगे ही, इसकी जगह एज और टू की जगह क्या लिखोगे? सो फिर ओल्ड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब इस टू की जगह आपको लिखना है दैट। क्या लिखना है? दैट। अब करता क्या है? ही, तो हम लिखेंगे ही और फिर लिख देंगे कैन नॉट और फिर हो जाएगा रन। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, इस तरीका से हो जाएगा। आगे, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम, उसके लिए ज्यादा गर्मी है। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो टू फॉर हिम और इस टू को बदलना है तो हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा? इट वॉज और टू की जगह सो फिर हॉट। यहां तक किसी को दिक्कत बताइएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इस टू की जगह दैट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट लिखना है, इट तो बेजानदार है तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। अब वॉज लगा है तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट। अब शेष में क्या बचा? गो आउट, तो गो आउट लिख दो, हो गया। इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट, इस तरीका से बना लोगे। आगे, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए अधिक उत्सुक है। तो केवल एक टू आया है इसमें, अब इसको आप कमेंट करके बताइए आपको क्या करना है। एक टू आया है ना, तो कमेंट करके बताना है केवल कि इसमें हम क्या लगाएं। बस ये आपके लिए है, आप इसको करके बताइए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है। और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, 2014 में आया था ये। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो टू बदलना है, इस टू को बदलना है और फॉर मी भी बदलना है, क्योंकि पैसेज जो है वो बेजानदार है। तो कैसे बदलेंगे? द पैसेज इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। अब इस टू की जगह क्या लगा देंगे? दैट। यहां तक किसी को दिक्कत? द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट। अब करता कौन होगा? फॉर मी बदलेगा तो हो जाएगा आई। कोई दिक्कत किसी को? इज लगा है तो होगा क्या? कैन नॉट, आई कैन नॉट, क्या बचा? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, इस तरीका से। ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, तो इस टू को भी बदलना है और इस टू को भी बदलना है। कैसे बदलोगे? ही वॉज टू की जगह सो टायर्ड, टू की जगह दैट, करता कौन है? ही, फिर लगाएंगे कुड नॉट वर्क, इस तरीका से। अब ये वाला है जो अधिकांशतः क्लास में टीचर पूछ देते हैं बच्चों से कि तुम पढ़ा करो। द बुक इज टू हार्ड टू रीड, अब इसमें है क्या कि पहली बात तो करता बेजानदार है बुक, ठीक है, और एक टू जे है, एक टू जे फोर मी फोर यू वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि बुक को ही दैट के बाद करता मान लेते। जैसे द बुक, यहां पर एज और टू की जगह सो हार्ड, यहां तक तो ठीक है। द बुक इज सो हार्ड दैट, अब टू की जगह क्या करोगे? दैट। अब इसके बाद बच्चा करता क्या है कि द बुक लिख देता है या इट लिख देगा, तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि करता बेजानदार है और फोर मी फोर आई फोर यू कुछ वगैरह नहीं है, तो यहां पर आपको करना का है कि नो वन बना लो सब्जेक्ट, नो वन, क्या बना लो? नो वन। इज लगा है क्या हो जाएगा? कैन नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि यहां नो आ गया, नॉट नहीं लगेगा, नो वन कैन रीड, लो हो गया, ठीक है। द बुक इज सो हार्ड दैट नो वन कैन रीड, चलिएगा, तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो लाइक शेयर जरूर कर दे भैया। और आपको पूरा कोर्स में दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बराबर, ठीक है, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा।